जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। इस देश में सब राजा बनना चाहते हैं, घूम घूम के राजा बनाया उसने। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? एक विभीषण ने रावण को खत्म कर दिया। बंगाल में 20-20 विभीषण मिले। अब सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन इससे पहले सरकार कार्रवाई करे। इतिहास दुनिया का एकमात्र विषय है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग एरिस्टोक्रेसी और एक आम आदमी के लिए। जो शाही वर्ग का इतिहास होता है वो एविडेंसेस पे बेस्ड होता है, साक्ष्य, सबूत, लॉजिक नहीं। लॉजिकली आप दुनिया में किसी भी चीज को सिद्ध कर सकते हो, लॉजिक, लेकिन एविडेंस। इसलिए कोर्ट लॉजिक नहीं मानता। कोर्ट क्या मानता है? एविडेंस मानता है। ऐसे यूपीएससी लॉजिक नहीं मानती, एविडेंस मांगती। तो एक इतिहास लिखा जाता है लॉजिक के आधार पे, लॉजिक, और एक इतिहास लिखा जाता है एविडेंस के आधार पर। दोनों में बहुत फर्क है। और इतिहास इतना बड़ा विषय है, और विषय के साथ साथ मतलब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट होने के साथ दर्शन भी है। जिसको भी राजा बनने का शौक है, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा, जिसको भी राजा बनने का शौक है उसे इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। वहीं आपको मिलेंगे डॉक्टर अंबेडकर, असंभव को मजाक बनाते हुए। वहीं आपको गांधी जी मिलेंगे, असंभव को मजाक बनाते हुए। ब्रिटिश हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, 1920 वो आदमी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करता। 2 साल मूवमेंट चला, 2 साल। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉइसरॉय को मैसेज पे मैसेज करती रही, बात करती रही कि क्यों रोको इस मूवमेंट को। वॉइसरॉय ने कहा, सर मूवमेंट नहीं रोक सकते, सरकार असहाय। वॉइसरॉय ने कहा, सर मूवमेंट नहीं रोक सकते। बोले क्यों? बोले सर ये पूजा कर रहे हैं हमारे लिए, आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपके लिए दुआ कर रहा है, पूजा कर रहा है, आप उसे मारेंगे? ये सत्याग्रही सड़क पे चलते थे भजन गाते हुए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। 2 साल। फिर 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का कांड हुआ, 22 पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन जलाया गया। वो सरकार पे हमला था, वो सरकार पर हमला था। अब सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन इससे पहले सरकार कार्रवाई करे। गांधी जी ने आंदोलन को हम बंद कर दिया, कहा आई डोंट हैव एनी फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। अंग्रेजों ने कहा एक दिन विश्वास कर लो, बोले है ही नहीं। और कोई मार नहीं खाया। उसकी सजा गांधी जी को मिली, 6 साल के लिए सजा मिली, 6 साल के लिए बंद हुए। तो इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं है, दर्शन भी है। और वो ये फॉर्मूला सिखाता है, असंभव को मजाक बनाने का फॉर्मूला, रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लैंड से। इंग्लैंड, यहां एक स्टेट छोड़ के, एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि यहां ज्यादा मत बोलना। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाओ तो और नॉर्मल होना पड़ता है। महाराष्ट्र की ही तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो बाहर कैसे जाओगे? एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाओ तो उस कंट्री के बारे में बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान वेरी गुड कंट्री, दुनिया में इससे अच्छी कंट्री है ही नहीं। खूब तारीफ करनी पड़ती, वो भी कहते इतना नहीं है, नहीं इतना ही है। 18th सेंचुरी में कंपनी ने भारत पर कब्जा किया, कंपनी ने। मान लो रिलायंस अमेरिका में व्यापार कर रही है और एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर ले, किसी स्टेट ने कब्जा नहीं किया। ये बात आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करती? कैसे एक कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? चारों तरफ राज्य हैं, राजा महाराजा हैं,
एक विकसित समाज है और कंपनी ने कब्जा कर लिया मजाक में, असंभव को मजाक बना दिया। आपको कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती कि पता करें कैसे? फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको पहला सूत्र बताया ना, समझो किसी चीज को, उसके पूरे पैटर्न का अध्ययन करो। और फॉर्मूला किसने दिया? वो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूपले ने। उस फॉर्मूले को लगाया किसने? रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। और फॉर्मूला क्या था? किंग मेकर का फॉर्मूला। इस देश में सब राजा बनना चाहते हैं, सब, आज से नहीं, प्राचीन काल से। और ज्यादातर राजा जो बनना चाहते हैं वो तावीज ढूंढते हैं, भैया कोई तावीज मिल जाए तो पहन ले भैया। इस देश की मनोविज्ञान समझ में आ गया, इस देश के लोगों की साइकोलॉजी समझ में आ गई कि सबको राजा बनना है, और उसने एक फॉर्मूला निकाला, किंग मेकर। अपने आदमी को बिठाया कर्नाटक की गद्दी पे, अपने आदमी को बिठाया हैदराबाद की गद्दी पे, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, और इन दोनों ने उसको बदले में क्या दिया? टेरिटरी दी, पैसा दिया। एनसीईआरटी पढ़ा है ना, चंदा साहिब ने 80 गांव दिए ड्यूपले को पांडिचेरी में, मुजफ्फर जंग ने 20 लाख रुपए कैश दिया 1749 में, मसूली पट्टनम का पूरा शहर दे दिया। ड्यूपले को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। तब उसको लगा कि यार ये तो बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, इंटरफियर इन द इकोनॉमिक एंड इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इनके आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो, एंड देन टेक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। ये था फॉर्मूला, इंटरफियर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस, इनके आंतरिक मामले में दखलंदाजी करो और फिर इनसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदा लो। ये फॉर्मूला निकाला किसने? ड्यूपले ने। इसको लगाया किसने? क्लाइव ने। फोर्ट विलियम का गवर्नर बनके पहुंचता है बंगाल, और बंगाल पहुंचते ही वो पूछता बंगालियों से कौन कौन राजा बनेगा, सब हाथ उठा दी, मीर जाफर, खादिम खान, इतने लोगों ने हाथ उठा दिया साहब। एक विभीषण ने रावण को खत्म कर दिया, बंगाल में 20-20 विभीषण मिले। फॉर्मूला, किसी भी चीज को जब आप एंटर करोगे, प्लासी का युद्ध 1757, बैटल ऑफ प्लासी 1757, वो युद्ध से जीता गया था धोखे से। क्लाइव, और फिर इस फॉर्मूले को कंपनी ने भारत में लगाया। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 किसकी वजह से हुआ? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव भी कंपनी के पास गया कि साहब हमने सुना आप राजा बनाते, बोले हाँ ये हमारा नया धंधा है। बोले हमको पेशवा बनना है, बोले पैसा लाए हो? हाँ, बोले लाए हैं। तो सूरत की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का, और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है, क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं, इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। सदाशिव पेट में खड़ा है यवले की चाय की दुकान पे, किसी ने कह दिया पॉलिटी की नई किताब आई है, तुरंत देखे, अच्छा कौन सी भाई साहब? पता लड़कों ने बता दी कि ये किताब, गए बाजार से किताब लिया। मेहनत तो करना ही है, वो उस पर तो बात ही नहीं करनी, मेहनत तो करना ही नहीं, मेहनत पे तो सॉरी बात ही नहीं करनी, बात करनी है मेहनत के अप्रोच पे। कंपनी, एक छोटे से फॉर्मूला, किंग मेकर का फॉर्मूला, सो समझ में आया, वो राजा बनाने लगी पूरे भारत में।
घूम घूम कर राजा बनाया उसने। तीन फॉर्मूले पे भारत पे कब्जा किया था कंपनी ने। पहला फॉर्मूला किंग मेकर, दूसरा सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि, और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तीन फॉर्मूले के बल पर देश पर कंपनी ने कब्जा कर लिया था। तो पहला काम आप यही करो, समझो। अब पुणे से निकलेंगे और भी ज्यादा IAS PCS, क्योंकि अब पुणे में आ गया है इकरा IAS, जहां ओझा सर की देखरेख में होगी UPSC की बेस्ट प्रिपरेशन। वी हैव बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट्स एट इकरा IAS बाय ओझा सर, सदाशिव पेठ, पुणे।